We talked about personality and its definition, the concept of personality, personality theories, the psychodynamic approach to personality, trait approaches, and we started talking about Allport's trait theory and its cardinal traits and central traits. पिछले लेक्चर में जब हमने ट्रेड थेरीज़ की बात करना शुरू की थी तो हमने कहा था कि ट्रेड से मुराद वो एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत अच्छे तक या शायद हमेशा रहने वाली क्वालिटीज़ हैं यासाफ हैं या एट्रिब्यूट्स हैं, हैं जो किसी शख्स की पर्सनालिटी में पाए जाते हैं जो दूसरों से उसको मुमताज़ करते हैं और जिसकी वजह से उसका बिहेवियर مختلف सचुएशन में कंसिस्टेंट रहता है मसला अगर किसी शख्स की पर्सनालिटी में अग्रेसिवनेस की ट्रेट है या इरिटेबिलिटी की ट्रेट है तो वो शख्स किसी एक सिचुएशन में अग्रेसिव या इरिटेबल या चिड़चिड़ा नहीं होगा बल्कि किसी भी सिचुएशन में होगा तो वो लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप में वैसा ही दिखाई देगा जिसका मतलब है ये एक एंड करेक्टरिस्टिक है लेकिन अगर कोई शख्स किसी एक वक्त किसी एक खास बात की बिना पर चिड़चिड़ा हो गया है और दोबारा दूसरी में वैसे नहीं करता बल्कि खासा फ्रेंडली इंसान है तो इसको हम उसकी ट्रेट नहीं कहेंगे हम उसको एक वाक कह सकते हैं या एक इवेंट कह सकते हैं ऑलपोर्ट की थ्योरी में हमने कहा था कि ऑलपोर्ट ने डिक्शनरीज में से ऐसे अल्फाज ढूंढे ऐसी, ऐसी टेमिनोलॉजी ढूंढी जो कि लोगों की पर्सनैलिटी को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उसमें वो एक बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन अट्ठारह के करीब ऐसे अल्फ ढूंढने में कामयाब हो गए का जायजा लिया गया तो यह देखा गया से से तो यानी एक ही माने रखने वाले बहुत से अल्फाज इनको मजीद छांटा गया और इनमें से एक से माने रखने वाले बहुत से अल्फाज निकाल दिए गए और फिर एक पैतालीस अल्फाज की लिस्ट बनी अब देखा यह गया कि क्या ये सारे के सारे अल्फाज ये सारी के सारी करेक्टरिस्टिक्स शख्सियत में पाई जाती हैं या ये मुख्तलफ ग्रुप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स की नुमाइंदगी कर रही हैं तो मजीद तहकीक से ऑलपोर्ट ने ये देखा और ये साबित किया कि शख्सियत में तीन तरह की ट्रेड्स पाई जाती हैं या यूं कह लीजिए कि शख्सियत में पाए जाने वाली ट्रेड्स की तीन कैटेगरीज या क्लासेस होती हैं कार्डनल ट्रेड्स सेंट्रल ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स पिछले लेक्चर में हमने कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेड्स की बात की थी कार्डिनल ट्रेड्स वो हैं एक ट्रेट होती है जो पूरे शख्सियत का अहाता करती है यानी शख्सियत के हर पहलू में हमें उसके असर दिखाई देते हैं अगर आप एक सिंपथेटिक शख्स हैं एक हमदर्दी करने वाले शख्स की ट्रेड्स रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में वो चीज़ दिखाई देगी सेंट्रल ट्रेड्स ग्रुप के फॉर्म में होती हैं एक से ज़्यादा ट्रेड्स हैं और वो इकट्ठी जाहिर होती है एक दूसरे से मिलती जुलती ट्रेड्स है जो कि शख्स के या किसी इंडिविजुअल के मुख्त सिचुएशन में जाहिर होने वाले बिहेवियर में हमें दिखाई देगी सेकेंडरी ट्रेड्स इससे निचले दर्जे की ट्रेड्स है ये उतनी नुमाया नहीं होती जितनी के सेंट्रल ट्रेड्स या कार्डनल ट्रेड्स सेकेंडरी ट्रेड्स क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स That do have an effect on our personality, but are much less influential than cardinal or central traits. These affect fewer life situations as compared to the cardinal or central traits. For example, preferring to wear certain colors or a liking for specific tastes or smells. Yani, these are traits are not jitni as cardinal or central traits. लेकिन इनका आपकी शख्सियत पर काफ़ी असर होता है और आपकी शख्स के बहुत से पहलू और आपकी रोज़मर ज़िंदगी के बहुत से पहलू इनकी वजह से मुतासर हो सकते हैं मिसाल के तौर तो पर एक एक्सट्रीम मिसाल है लेकिन अगर कोई शख्स मीठा खाने का बहुत शौकीन है जबकि वो डायबिटिक भी है तो ये ट्रेट या ये खसूसियत जो कि एक सेकेंडरी खसूसियत है ये शायद उसको काफ़ी नेगेटिव तरीके से मुतासर कर सकती है ऑलपोर्ट की थ्योरी उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और जी तहकीक पर मुश्तमिल थी इसके लिए उन्होंने कोई खास साइंटिफिक या कोई उस तरह का क्वांटिटेटिव तरीका इख्तियार नहीं किया जो कि उनके बाद में आने वाले लोगों ने किया कुछ स्ट्रेट थ्योरीज ऐसी हैं जिनकी बुनियाद स्टेटस्टिकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए रखी गई है यानि डेटा तो लोगों से इकट्ठा किया गया लेकिन उसके लिए ऐसे स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर इस्तेमाल किए गए जिन्होंने कुछ ग्रुप स्टेट्स के ऐसे नुमायाँ करके दिखा दिए जो कि मुख्तु लोगों की शख्सियात में अहमियत रखते हैं और उनकी ज़िंदगी के मुख्त पहलुए दिखाई देते हैं यानि उन्होंने देखा कि वो शख्सियत के एट्रीब्यूट्स के कौन से क्लस्टर्स हैं जो कि एक स्ट्रॉग और अहम रोल अदा करने वाले हैं इन थेरीज में जिस स्टिकल प्रोसीजर को इस्तेमाल किया गया वो है फैक्टर अनालिससिस

और एक स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर के तहत वे आखिर ये देख लिया जाता है कि कौन से फैक्टर्स या कौन से वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है और इकट्ठे है और एक ग्रुप की सूरत में हमारे सामने जाहिर होते हैं फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर प्रिपेयर में लाइक इन एन आइडियल मैन द एक्सटेंसिव लिस्ट इज दे That may describe an ideal man through the factor analysis, the responses are statistically combined, and the traits associated with one another in the same set or person are computed. Thus, the most fundamental patterns are identified. These patterns are called factors. Psychologists, Raymond B. Cuttle and Hans Isaac. ट्रेड थियोरीज बेस्ड अपॉन फैक्टर अभी जैसे कि आपने देखा कि फैक्टर एनालिसिस का प्रोसीजर किस तरह से अमल में आता है उसमें बहुत से लोगों से बहुत सी चीजों के बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको प्रोसीजर के तहत एनाल किया जाता है उसकी ग्रुप बंदी हो जाती है और उन ग्रुप्स में या उन सेट्स में हमें दिखाई दे जाता है कि कौन से फैक्टर्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है या रिलेटेड है एक दूसरे को पुल कर रहे हैं फैक्टर एनालिसिस पर बेस करके दो ट्रेड थेरी पेश की गई एक रेमंड कैटल की थेरी और दूसरी हांस आइजिंक की आइजिंक जिनको बहुत सी जगहों पर दुनिया के बहुत से रीजंस में इजिंक के नाम से भी पुकारा जाता है सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फर्क है रेमंडीन पर्सनैलिटी फैक्टर्स आफ्टर यूजिंग फैक्टर एनालिसिस

हम इनके नाम से ही एहसास कर सकते हैं कि सर्फे स्ट्रेट्स वो होंगी जो बालई सतह पे होंगी जाहिरी होंगी सो so स्ट्रेट्स होंगी जो तह में पाई जाती होंगी थोड़ी सी मख्फी होंगी सर्फ स्ट्रेट्स कैटल्स फैक्टर एनालिसिस शोड दैट देयर आर 46 सिक्स सर्फ और क्लस्टर्स ऑफ रिलेटेड बिहेवियर दी स्ट्रेट्स आर द करेक्टरिस्टिक्स That we can observe in a given situation. The frequently quoted example in this regard is that of a friendly, gregarious librarian who is so helpful that he might go out of his way to help you. As a result of your interaction with him, it can be decided that he possesses the trait of sociability. His sociability is a surface trait in cattle's terms. सो सर्फेस ट्रेट्स से मुराद ऐसी ट्रेड्स हैं जो किसी शख्स की सर्फिस पे दिखाई देती हैं या जाहरा हमें दिखाई देती हैं और वह उसकी जिंदगी के मुख्त पहलुओं में अपना असर दिखाती हुई पाई जाती हैं बट सर्फिस ट्रेट्स में नॉट नेली रिप्रजेंट द ट्रेड दैट एक्चुअली अंडरलाई दर्सनैलिटी ऑफ अ परसन सर्फिस आर वॉट वी डायरेक्टलीस आर बेस्ड अपॉन आर परसैप्शंस एंड रिप्रजेंटेशसनैलिटी दीस मे नॉट बी द ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल अंडरलाइंग डायमेंशंस ऑफ समलिटी सो अगर कोई शख्स हमें बहुत फ्रेंडली दिखाई दे रहा है और हमारी मदद करने के लिए आउट ऑफ द तो वे भी जाता है और हम समझते हैं कि वो एक सोशबल पर्सन है बहुत फ्रेंडली शख्स है और बहुत मिलनसार घुलने मिलने वाला इंसान है ये एक सरफेस ट्रेट है लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो चीज़ हमें सरफेस पे दिखाई दे वही रूट पर भी हो हो सकता है हमें जो ट्रेड दिखाई दे रही है वो उन असल ट्रेट से मुख्तलिफ हो जो कि उस शख्स की शख्सियत की असल जड़ या असल बुनियाद है द करेक्टरिस्टिकॉर्म द एक्चुअल रूट्स एंड बेसिस ऑफ ऑल बिहेवियर ने डिफरेंट एंड फ्यूअर इन नंबर ऐसी ट्रेड्स जो किसी शख्स की शख्सियत की रूट हो बुनियाद हों और उन्हीं के ऊपर उसकी शख्सियत बहुत हद तक कायम हो ऐसी ट्रेड्स को कैटल ने सोर्स ट्रेड्स का नाम दिया सोर्स ट्रेड्स इनऑर्डर टू गो बियॉन्ड द सर्फिस ट्रेड्स कैटल कैरिड आउट फर्दर फैक्टर एनालिसिस ही आइडेंटिफाई 16 ट्रेड्स जेंट बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी ही कॉल दीज ट्रेट्स सोर्स ट्रेट्स कैटल ने जैसे कि हमने पहले कहा था सर्विस स्ट्रेट्स बहुत सी आइडेंटिफाई uh, की फैक्टर अनैलिसिस की मदद से लेकिन जू जू मजीद तय की गई ज्यादा ऑब्जर्वेशन की गई यही एहसास हुआ कि सर्विस स्ट्रेट्स बहुत ज्यादा हों लेकिन रूट ट्रेट्स या सोर्स ट्रेट्स कम होती होंगी और जब मजीद फैक्टर एनालिसिस किया गया तो अल्टीमेटली कैटल ने 16 ऐसी सो ट्रेड्स डिस्कवर की जो कि बाकी ट्रेड्स के लिए एक बुनियाद का दर्जा रखती थी और बाकी की ट्रेड्स को उन्हीं की सब कैटेगरी के तौर पर देखा जा सकता है 16 पीएफ और 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन कैटल डिवेलप्ड ए मेजर डेट प्रोवाइडेड अ स्कोर फॉर ईच ऑफ दिक्कटीन सोर्स ट्रेट्स कैटल ने जब फैक्टर एनालिसिस की मदद से सोलह ऐसे फैक्टर्स या सोलह ऐसी सोर्स ट्रेट्स डिस्कवर कर ली जो कि शख्सियत में एक सोर्स या रूट या यूं कह लीजिए कि बैकबोन का वजह रखती हैं तो उसके बाद उसने एक मज़ीदारनामा अंजाम दिया और वह यह था कि उन्होंने इसका एक मेजर बनाया उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसकी मदद से इन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता था लोकेट किया जा सकता था इनकी दर्जाबंदी की जा सकती थी और इनको क्वांटिफाई किया जा सकता था दिस टेबल शोस द ट्रेट्स एंड देयर लेवल्स अकॉर्डिंग टू 16 पी एफ ऑन द लेफ्ट हैंड कॉलम वी कैन सी फैक्टर सिंबल्स The 16 factors have been given 16 symbols, for example, A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, and many others. In the center column, we can see the high level of scores indicating a certain factor's presence. The extreme right column shows low scores. If a person has low scores, then he will be rated like this. For example, in factor A, if a person has a high score, he will be outgoing, and a low score shows he is reserved. B factor shows high score means more intelligent, low score means less intelligent. C, high means stable, low means emotional. E, high means assertive, and low means humble. F, high means happy-go-lucky, and low means sober. If a person has a high score in G, he will be conscientious, and if he has a low score, he will be expedient. High score on H means bold, and low score means shy. इसी तरह से, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, बाकी ही तमाम तर फैक्टर्स को या करेक्टरिस्टिक्स को बयान किया गया है और यह दिखाया गया है कि अगर उस फैक्टर में या उस वेरिएबल में कोई शख्स लो स्कोर लेगा तो वो क्या कहलाएगा और हाई स्कोर लेगा तो वो कैसा होगा जिस तरह से कैटल ने फैक्टर एनालिसिस पे अपनी थेरी की बुनियाद रखी इसी तरह से एक दूसरा शख्स जिसका नाम इस सिलसिले में बहुत अहम समझा जाता है वो है हांस आइजनका जिन्होंने बेशक अपनी थ्योरी को फैक्टर एनालिसिस की बुनियाद पर पे पेश किया लेकिन उनके आइडियाज कैटल की थ्योरी से हटकर थे और मुख्तलिफ थे आई थिंक्स ऑफ पर्सनालिटी। अकॉर्डिंग टू आई पर्सनालिटी कैन बी अंडरस्टूड एंड डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ जस्ट टू मेजर डायमेंशंस ए इंट्रोवर्जन वर्स एक्सट्रोवर्जन बी न्यूरोसिज्म स्टेबिलिटी On the first dimension, people can be rated ranging from introverts to extroverts. The rest of the traits fall in between. The second dimension is independent of the first one and ranges from being neurotic to being stable. According to theory, we do not need to look for many factors or We to दो डायमेंशन में बयान किया जा सकता है दोनों डायमेंशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं यानी एक दूसरे को मुतासर नहीं कर रहे एक डायमेंशन है इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रोवर्जन और एक डायमेंशन है न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी एक कंटिन्यूम की तरह से कोई शख्स एक्स्ट्रोवर्ट हो सकता है दूसरे एंड पर इंट्रोवर्ट हो सकता है और बाकी उसके बीच बीच में आ सकते हैं इसी तरह से न्यूराटिज्म और स्टेबिलिटी के कंटीन्यूम में अगर देखा जाए तो कुछ लोग हो सकते हैं नोरोटिक के कैटेगरी में आए कुछ लोग स्टेबिलिटी की कैटेगरी में आए और बाकी के लोग तो उसके दरमियान में मुख्तलिफ मकाम पर अपनी हैसियत रखते होंगे इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन। इंटरवर्ड्स आर क्वाइट पैसिव एंड केयरफुल पीपल एक्स्ट्रोवर्ड्स आर आउट गोइंग सोशबल एंड एक्टिव पीपल न्यूराटिसम स्टेबिलिटी न्यूरोटिक्स आर मूडी टची एंड एंक्स पीपल स्टेबल आर काम केयरफ्री एंड इवन टेम्पर्ड पीपल सो जैसे कि हमने कहा यह दोनों डायमेंशंस जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अद न्यूराटिसिज्म स्टेबिलिटी एक तरफ है एक्सट्रोवर्जन एंड्रोवर्जन दूसरी तरफ है चुनाचे ये हो सकता है कि एक शख्स इस पहली डायमेंशन पर न्यूरोटिक हो और दूसरी डायमेंशन के ऊपर वो एक्स्ट्रोवर्ट हो ये भी हो सकता है कि पहली डायमेंशन पर वो न्यूरोटिक हो और दूसरे पे वो स्टेबल हो अब ये मुख्तफ तरह के कॉम्बिनेशनस हैं एक शख्स जो नोराटिक है मगर एक्स्ट्रोवर्ट है वो किसी और तरह से बिहेव करेगा और एक शख्स जो न्यूरोटिक है मगर इंट्रोवर्ट है वो किसी और तरह से बिहेव करेगा अभी हम आपको एक डायग्राम दिखाएँगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है था जिसमें आइजन की थेरी बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आती है और हम देखते हैं कि किस तरह से एक सर्कल की सूरत में और उसके दरमियान में एक क्रॉस की सूरत में इन सारी डायमेंशनस को प्रेजेंट किया गया है एक तरफ इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन है दूसरी तरफ नोरटिसम स्टेबिलिटी और उनके दरमियान में बिल्कुल जैसे किसी कलर व्हील में होता है आपस में मिलकर पैदा होने वाली مختلف कैरेक्टरिस्टिक्स You can see neuroticism or neurotic on top, stable at the bottom, extroverted on the right hand, and introverted on the left hand. The combinations fall in between. You can see people can be touchy, people can be aggressive. Somebody who is neurotic and slightly introverted, maybe that person can be active. And you can see other qualities like sociable, outgoing, talkative, responsive, easygoing, and a large number of them. Isaac evaluated a number of people along these dimensions. Using the information thus obtained, he could accurately predict people's behavior in a variety of situations. Isaac has a theory that he theory. अपनी तहकीक के जरिए टेस्ट भी किया और ये देखा गया कि उनकी इस थेरी के मुताबिक जब लोगों को रेट किया गया या कैटेगर किया गया तो बहुत हद तक उनके फ्यूचर बिहेवियर को प्रडिक्ट किया जा सकता था और जब प्रडिक्ट किया तो वह प्रडिक्शन सही साबित हुई जिसका मतलब है कि ये थेरी जो है एक प्रैक्टिकल एप्लीकेबलिटी रखती है हमने ट्रेड थेरीज में से तीन बुनियादी और अहम और मशहूर ट्रेड थेरीज की बात की लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेड थेरीज का सिलसिला यहीं पे ख़त्म हो गया मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ट्रेड थेरीज पर और ट्रेड्स पर मज़ीद काम कर रहे हैं अगर हम मॉडर्न अप्रोच को देखें तो वो उन थेरी से मिलती जुलती है मगर मुख्तल है द रीसेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ट्रेड्स The concept of the big five. Five broad trait factors lie at the core of personality. Surgency, that is extroversion and sociability, eroticism, that is emotional stability, intellect, agreeableness, and conscientiousness. Shunante, modern approach ke mutabik, बेसिक ट्रेड कैटेगरीज या सेट्स एंड ट्रेड्स के जो किसी शख्स की पर्सनालिटी में ऑपरेट करते हैं बाकी के ट्रेड्स को इस सोच के मुताबिक इन्हीं पांच कैटेगरीज में सब कैटेगरीज के तौर पर देखा जा सकता है ये तो थी ट्रेड थेरीज हमारे पास और बहुत सी भी पर्सनालिटी थेरीज हैं और जिनकी बुनियाद उन बहुत सी थेरीज या अप्रोचेज पर रखी गई है जिनका जिक्र हम जी के लेक्चर में कर चुके हैं सो ट्रेड थे वो है ऐसी पर रखी गई लर्निंग अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी लर्निंग अप्रोचेज टू पर्सनैलिटीज दैट फोकस अपॉन दब्जर्वेबल पर्सन रान द इनर इंस्टिंग or traits. For the learning theorists, personality is the aggregate of a person's learned responses to the external environment. Variables considered most important by the learning theorists are the features of a person's environment. Just like learning or learning theories or learning systems where कि लर्निंग थे के नज़दीक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है वही सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और इसके साथ साथ जिस चीज़ को हमें स्टडी करने की ज़रूरत है वो है एनवायरनमेंट यानि हमें रिस्पॉन्स या बिहेवियर या एक्शन के ऊपर तोज्जो देनी होती है उससे रिलेटेड उस पर असर डालने वाले जो स्टिमिला हैं जो कि हमारे इन्वामेंट में मौजूद हैं हमें उनको अपने जहन में रखना है और इनकी आपस के रिलेशनशिप को स्टडी करना है पर्सनैलिटी को समझने में भी ये थेरिस्ट यही अप्रोच इस्तेमाल करते हैं लर्निंग अप्रोचेस आर प्राइमरली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड कॉगमेटिव लर्निंग बी एफ स्किनर अप्रोच पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू स्किनर इज अ कलेक्शन ऑफ लर्न बिहेवियरल पैटर्न Patterns of reinforcement that have been received in various situations in the past cause similarities in responses across different situations when same or similar situations are encountered. Skinner theory consequences. Hai. He says that the consequences of any response or any behavior. डिटर्मिन वेदर और नॉट द बिहेवियर विल बी रिपीटेड इन फ्यूचर और नॉट कॉन्सिक्वेंसिस री एन्फोर्समेंट के फॉर्म में है पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है पनिशमेंट हो सकती है नो री एनफोर्समेंट हो सकती है पर्सनैलिटी को भी वो इसी टर्म्स में समझ रहे हैं हमारी जो आदात है जो खसूसियात हैं हमारे किरदार के जो नुमाया पहलू हैं स्किनर की थेरी के मुताबिक ऑपरेंट कंडीशनिंग का नतीजा है जिन चीजों पर हमें पॉजिटिवली रीनफोर्स किया गया वो हमारी शख्सियत का एक मुस्तकिल हिस्सा बन गई जिन चीज़ों पर हमें पनिश किया गया डिस्करेज किया गया वो हमारी शख्सियत में या तो दाखिल नहीं हुई और अगर दाखिल हुई तो जल्द ही खारिज होकर शख्सियत से अलग हो गई इसलिए अगर कोई शख्स मिलनसार है कोई शख्स हंसमुख है कोई शख्स चिचड़ा है कोई शख्स लालची है कोई शख्स पैसा खर्च करने वाला है स्किनर की थेरी के मुताबिक ये सब कुछ उसके पास्ट एक्सपीरियंस का नतीजा है पास्ट में जब उसने ये चीज़ें और उसको रिवॉर्ड मिला तो उसने इनको दोहराना सीख लिया और अगर उसको इनके बारे में पनिश किया गया तो उसने दोबारा ये रवैये कभी इख्तियार नहीं किए फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट ट्राइज टू मेक अ गुड प्रजेंटेशन एवरी टाइम ही हैज़ टू प्रजेंट Because he has been receiving positive reinforcement for good presentations in the past, not because of an inborn drive or a trait of being a hard working or industrious person. Similarly, a person who is never aggressive may be so because he was always punished for aggressiveness and rewarded for being polite. For learning theorists, कंसिस्टेंसीज इन बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज ए स्ट्रेटजीज फॉर मॉडिफाइंग बिहेवियर आर लर्निंग थे सिर्फ हम ऑपरेंट कंडिशनिंग की बात नहीं कर रहे या ऑपरेंट लर्निंग की बात नहीं कर रहे हम इसमें क्लासिकल कंडिशनिंग को भी शामिल कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को भी स्किनर के कहने के मुताबिक शख्सियत के नुमायाँ हिस्से या खूसियात जो है वो ऑपरेंट कन्डिशनिंग का नतीजा है अगर हम क्लासिकल कन्डिशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर हमें ये बताया जाएगा कि हमारी शख्सियत के बहुत से पहलू हमारी शख्सियत में महज इस वजह से मौजूद हैं कि वो किसी तरह की कंडिश्निंग क्लासिकल नेट की या एसोसिएशन का नतीजा है और जब वो एसोसीेशन बार बार दोहराई तो हमने वो बिहेवियर सीख लिया मिसाल के तौर पर किसी चीज़ से खौफ़जदा होना रिवॉर्ड या पनिशमेंट की वजह से नहीं होगा बल्कि इस वजह से होगा कि उस खौफजदा चीज़ को हमने किसी और तकलीफ दह चीज के साथ बार हार देखा होगा और एक न्यूट्रल चीज से भी खौफजदा होना शुरू हो गए होंगे अगर आपको एल्बर्ट का केस याद है तो यहाँ पे कुछ उसी तरह की प्रिंसिपल की बात हो रही है लर्निंग थियोरिस्ट आर मोर ऑप्टमिस्टिक इन देयर अप्रोच एज कंपेयर टू द साइकोडमिक थियोरिस्ट

जबकि लर्निंग थेरी के मुताबिक शख्सियत को चेंज भी किया जा सकता है मॉडिफाई किया जा सकता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन इस्तेमाल की जा सकती है अच्छी चीज़ें सीखी जा सकती हैं बुरी चीज़ें ख़त्म भी की जा सकती हैं लेकिन क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के अलावा या इनके प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ और प्रिंसिपल्स भी हैं जिनकी एप्लीकेशन लर्निंग को पर्सनैलिटी में दिखाई देती है Social cognitive approach to personality. The approaches that lay emphasis upon the role of people's cognitions in determining their personalities. Cognitions include people's thoughts, feelings, expectations, and values. These approaches consider the inner variables to be important in determining one's personality. दिज अप्रोच एम्फोसाइज्रोसिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर एनवाट ये थेरीज जहाँ पे माहौल को अहमियत दे रही हैं और जहाँ पर इर्द गिर्द की सोसाइटी को इर्द गिर्द के लोगों को अहमियत दे रही है पर्सनैलिटी के हवाले से वहीं पर उसके साथ साथ फ़र्द की अपनी कॉम्बिशन को भी अहम समझती हैं और इन सबके कॉम्बिनेशन को पर्सनैलिटी में एक बुनियादी रोल अदा करता हुआ दिखाती हैं वेब ऑफ रेसिप्रॉसिटी कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड पीपल्स बिहेवियर आर एनवायरमेंट अफेक्ट्स आर बिहेवियर एंड आर बिहेवियर इन टर्न आर एनवाजेज मॉडिफिकेशन इन द दिनमेंट द मॉडिफाइड मॉडिफायमेंट इन टर्न अफेक्ट्स बिहेवियर इस थ्योरी के मुताबिक एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है इंसान या उसकी पर्सनालिटी और उसके माहौल के दरमियान हम माहौल को मुतासर करते हैं माहौल हमें मुतासर करता है इसके अंदर लर्निंग के प्रिंसिपल्स ऑपरेट करते हैं इसमें हमारी सोच का अमल दखल है और इसमें हमारे इर्द पाए जाने वाले लोगों का भी किरदार है इस थेरी में और इससे ताल्लुक़ रखने वाले थेरिस्ट में ंडूरा का नाम सबसे अहम समझा जाता है एल्बर्ट मंडूरा अकॉर्डिंग टू हिम ही प्रजेस दबिलिटी टू फोर्स सी द प्रोबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सर्टन ऑफ आर बिहेवियर्स इन अटिंग विदाउट एक्चुअलीरिड आउट दोचुअली बींग इन दो मंडूरा के ख्याल में जो कि दुरुस्त है इंसान इस चीज़ की अहलियत रखते हैं कि वो किसी भी चीज़ को फ़ोर्स कर सकते हो उनके पास इतनी बसीरत इतनी समझ होती है कि किसी वाक़ को पेश होने से पहले उसके वक़ूफ़ पजीर होने से पहले वो ये अंदाज़ा कर ले और ये बता सके कि अब क्या होगा या अगर इस वक्त ये बिहेवियर ज़ाहिर होगा ये एक्शन जो है ये अक्र करेगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे चुनानचे किसी वाक्य के होने से पहले किसी चीज के मौजूद ना होते हुए भी इंसान ये बता सकता है कि अब क्या होने वाला है और जो होने वाला है उसके क्या नतज होंगे या हो सकते हैं दिस सो हैपन्स प्राइमरिली एज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दैट इज हैविंग सीन द आउटकम्स ऑफ अदर्स परफॉर्मिंग द सेम बिहेवियर्स इन सेम और सिमिलर सिचुएशंस फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ हाउ वी लर्न टू वे एग्रेसिव सोशबल और इंडस्ट्रियस चुनाच मंडूरा के ख्याल में जब इंसान में इस चीज़ की अहलियत है कि कोई चीज़ अगर मौजूद ना भी हो तो उसको फोर्स, फोर्सी कर सके और ऐसे बिहेवियर्स दिखा सके जो कि एक्चुअली वाक़ ना होने की सूरत में शायद वक़ूफ़ पजीर हों ही ना लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं बंडूरा के ख्याल में ये सब चीज़ें और ये सब बिहेवियर्स हम इसलिए जानते हैं और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने और लोगों को उसी तरह के सिचुएशंस में वो सब कुछ करते हुए देखा है मसलन आप किसी के घर के शीशे को क्रिकेट की बॉल से तोड़े बगैर बता सकते हैं कि अगर मेरी गेंद इस शीशे पर लग गई और ये शीशा टूट गया तो मेरे साथ क्या सलूक होगा आपने फोर्स कर लिया लेकिन ये फोर्स साइड जो है किसी जादू के तहत नहीं आई बल्कि ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का नतीजा है आपने और लोगों को देखा या आपने टीवी पर देखा या आपने और लोगों से सुना कि जब उनसे या किसी और से किसी का शीशा गेंद की वजह से टूट गया तो उनके साथ वो लोग किस तरह से पेश आए मंडूरा ने इसके अलावा और भी कुछ चीजों के बारे में बात की मैं Self efficacy and reciprocal determinism. Self efficacy, it consists of learned expectations that one is capable of performing a certain behavior or producing a desired outcome. Self efficacy is the underlying variable in people's faith in their ability to carry out a particular behavior. द हाइर एंड लाइटली के ख्याल में, सेल्फ एफिकेसी किसी शख्स की शख्सियत में खासी अहमियत रखती है आप अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं किस हद हाँ तक यह समझते हैं कि मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ ये कर सकती हूँ वो आपकी शख्सियत में मुख्त तरह से दिखाई देगा इसके साथ साथ वो एक और चीज को भी एम्फोसाइज करते हैं रेसीप्रोकल डिटर्मनिज्म अकॉर्डिंग टू बंडोरा द की टू अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर लाइज इन रेसिप्रोकल डिटर्मनिज्म वी कैन अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन बाई अंडरस्टैंडिंग द इंटरैक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट बिहेवियर एंड द इंडिविजल एंड हाउ दिस इंटरक्शन कॉजेज पीपुल To behave in the manner they do. Environment affects behavior, and the behavior in turn affects the environmental factors. For example, a woman likes to make friends. She gets an opportunity to make friends at parties. She in turn arranges parties herself and invites people she likes or those she thinks are potential friends. Her desire for finding friends.

अगर आपको याद हो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करते हुए हमने दो लोगों का जिक्र किया था कार्ल रॉजिस और एब्राहम मास्लो का। बुनियादी आइडिया या बुनियादी कॉन्सेप्ट इस थेरी में यह है कि तमाम लोग बुनियादी तौर पर अच्छे होते हैं और उनमें एक अपनी विल होती है एक अपनी मर्जी होती है उसके मुताबिक वो ग्रो कर सकते हैं अपने आप को चेंज कर सकते हैं जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी कदर करनी चाहिए और उनको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना चाहिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच स्ट्रेस दैट पीपल प्रजेस अ बेसिक गुडनेस एंड हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू ग्रो टू हायर लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग दे हैव अ कॉन्शियस सेल्फ मोटिवेटेड एबिलिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव द बेसिक गुडनेस एंड द नेचुरल टेंडेंसी टू ग्रो अलॉन्ग विद यूनिक क्रिएटिव इम्पल्सिस फॉर्म द कोर ऑफ पर्सनैलिटी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में सबसे अहम नाम कार्ल रॉजर्स का है रॉजर्स अपनी साइकोथेरेपी की वजह से भी मशहूर हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और उनकी पर्सन सेंटर्ड अप्रोच उनकी पर्सनैलिटी की अप्रोच में भी दिखाई देती है यानि लोगों का एहतराम करना चाहिए और जैसे वो हैं जिस तरह के हैं तो उसी तरह से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छा महसूस कर सकें यहाँ पे जब हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं या उनकी रिस्पेक्ट की बात करें हैं तो इस वक्त यहाँ पे वैल्यूज की या अच्छाई और बुराई की बात नहीं हो रही यहाँ पे एक रिस्पेक्ट की अनकंडीशनल रिकार्ड की बात हो रही है कार्ल रॉजर्स अकॉर्डिंग टू हिम ऑल पीपल रिक्वायर टू बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड This is a universal phenomenon that is reflected in their need for positive regard. This love and regard comes to us from other people. When other people provide for this basic need, we become dependent on them. We begin to rely on others' values and evaluate and judge ourselves through the eyes of others. Self concept and conflicts. Our self concept and others' opinions are related. At times, there may be discrepancies or conflicts between our self concept, that is, self impression, and our actual experiences. Minor discrepancies lead to minor problems, whereas, deeper conflicts lead to psychological disturbances in daily functioning. For example, frequent ऑब्सेशंस और एंगजाइटी सो रोजस के ख्याल में हमारे दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक और हमारी इंटरेक्शन कॉन्फ्लिक्ट का बास भी हो सकती है आप अपने आप को क्या समझते हैं लोग आपसे किस तरह से पेश आ रहे हैं अगर ये दोनों आप इसमें तजाद रखते हैं तो इसके बायस कॉन्फ्लिक्ट और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं लेकिन जो चीज़ अहम है फिर से वही बात वो है रिस्पेक्ट और अनकंडिशनल रिगाड Unconditional positive regard. A person's conflicts can be resolved if he receives unconditional positive regard from another person. Unconditional positive regard means an attitude of total acceptance and respect from another person without any conditions. No matter what you say or do, the person accepts it. As a result of this acceptance, a person gets an opportunity to evolve and grow cognitively as well as emotionally and to develop a more realistic self-concept self-actualization according to the humanistic approach self-actualization is the ultimate goal of personality growth self-actualization is a state of self-fulfillment in which people realize their optimal potential self-actualization occurs when our everyday life experiences and our self concept match closely self actualized people accept themselves the way they are in reality this enables them to achieve happiness and a feeling of fulfillment so humanistic approach mein jo cheez hai wo hai insan bazate khud uski goodness unconditional पॉजिटिव रिगार्ड फॉर अदर्स सेल्फ एफिकेसी एंड अ डिजायर टू सेल्फ एक्चुअलाइज इस थेरी में किसी रिवॉर्ड और पनिशमेंट रे एनफोर्समेंट एसोसिएशन की बात नहीं हो रही एक और तरह की थेरीज भी पर्सनैलिटी के बारे में पाई जाती है जिनका व्यू पॉइंट और पर्स्पेक्टिव पहले से डिस्कस की जाने वाली थेरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है या बहुत हटकर है ऐसा नहीं है कि ये थेरीज उस थेरी कोसेप्ट नहीं करती या उनके मुताबिक ये गलत थेरी है ऐसा नहीं है थेरीज़ मुख्तलिफ़ हैं लेकिन सबके साथ सब एक ही चीज़ को स्टडी करी हैं पर्सनैलिटी को मुख्तलिफ़ एंगल से और ये अप्रोचेस हैं बायोलॉजिकल अप्रोचेस जो कि बायोलॉजी एनाटमी जेनेटिक्स बायो कैमिकल चेंजेस को कंसिडर करती हैं बनस्बत साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के जैसा कि नाम से जाहिर है बायोलॉजिकल अप्रोच का ताल्लुक बायोलॉजिकल बेस ऑफ बिहेवियर से है वो अप्रोच जो इस चीज़ में बिलीव करती है कि पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेट्स बायोलॉजी में पाए जाते हैं जीन्स में पाए जाते हैं इनहेरिटेंस में पाए जाते हैं बायोलॉजिकल अप्रोच टू पर्सनैलिटी Approaches that emphasize the significance of biological variables and inherited personality characteristics. These approaches propose that important components that constitute our personality are inherited or genetically determined. For example, temperament. these theories traits kibatne kari temperament ki baat kar rahi hai. टेम्परमेंट या मिजाज जो इस थे मुताबिक हम लेकर पैदा होते हैं यानी वो पहले से ही मौजूद होता है टेम्परमेंट टेम्परमेंट इज वन ऑफ द मेन इन्ग्रीडियंट ऑफ पर्सनैलिटी टेम्परमेंट इज द बेसिक इननेट डिस्पोजिशन डेट इमर्ज इज अर्ली इन लाइफ इवन वेरी यंग इन्फेंट शो साइंस ऑफ डिफरेंट डिस्पोजिशंस

बच्चे तरह के मुख्तरमेंट शो करना शुरू कर देते हैं कुछ शुरू से ही शर्मीले होते हैं कुछ चिड़चिड़े होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं कुछ बहुत खुशगवार मूड में रहते हैं और हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं और कुछ बच्चे बहुत पुरसकून होते हैं कैगन की रिसर्च में देखा गया कि एक ख़ास तरह की कैटेगरी बच्चों की है जो कि इहैबिटेड चिल्ड्रन है और वो पैदाइशी तौर पर ही ऐसे होते हैं इन्हेबिटेड चिल्ड्रन According to Jerome Kagan, children who are usually fearful of the sight of unfamiliar adults and fret when confronted with unfamiliar objects or new settings are the inhibited children. Such children are labeled as shy by their parents and teachers by the age of 3 to 4 years. They are consistently shy and emotionally restrained and noticeably. लियर सिचुएशन दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड टेन परसेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन देर आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेज बिटवीन द इनहेबिटेड एंड अनहेबिटेड चिल्ड्रेन रिसर्च में यह भी देखा गया कि जहां पर कुछ बच्चे इन्हेबिटेड होते हैं वहां पर कुछ बच्चे नाझिजकने वाले या अन इनहेबिटेड भी होते हैं और रिसर्च ने यह भी साबित किया कि इन बच्चों में बायोलॉजिकल

their heartbeat increases more hormonal differences and variations in the excitability of the limbic system of the brain have also been seen to be different in the two groups kagan concluded that these differences can be explained in terms of an inborn characteristic of the inhibited children that is their greater physiological reactivity गन so, ने अपनी रिसर्च के जरिए साबित किया कि इनहिबिटेड और अनइनहिबिटेड बच्चों में पाया जाने वाला फर्क विदाइशी तौर पर बायोलॉजिकली मौजूद होता है और इसकी बुनियाद उनकी फिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी में पाई जाती है अगर ये रिएक्टिविटी ना हो तो शायद ये बच्चे मिलते जुलते ही हों ट्विन स्टडीज सपोर्टिंग द जेनेटिक आर्ग्यूमेंट हिस्स जेनेटिक आर्ग्यूमेंट को साबित करने के लिए बहुत सी ट्विन रिसर्च भी की गई जिसमें ट्विन्स रियर टुगेदर को भी इस्तेमाल किया गया और ट्विन्स रियर अपार्ट को भी ट्विन स्टडीज सपोर्टिंग दिनेटिकर्ग्यूमेंट अ नंबर ऑफ स्टडीज ऑन ट्विन्स रियर टुगेदर एंड रियड अ पार्ट है बायोलॉजिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी स्टडी बाय ऑक टेलीविजन एंड कलीग्स 1988 showed that when a sample of 350 pairs of twins was studied, they included 44 genetically identical twins who were reared apart. The subjects were given a battery of tests, including one that measured personality traits. The results showed that the twins were quite similar in their personality in major respects there are certain traits that are more influenced by heredity than others genetic component was found to be particularly strong in case of social potency and traditionalism genetic component was relatively weak in case of achievement and social closeness so Kaganki research or twin studies ne genetic argument ko kafi support di जिससे ये साबित हुआ कि हमारी बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स बहुत सी क्वालिटीज़ पैदाइशी तौर पर डिटर्मेंट होती हैं और शायद हमारे जीन्स के जरिए हमें मिलती है बनस्बत हमारे माहौल और इर्द गिर्द के लोगों से क्योंकि ऐसे ट्वेंट्स जो आइडेंटिकल थे जिसका मतलब उनका जिनेटिक पैकेज तो एक था लेकिन देवर रियड पार्ट वो अलग अलग माँ बाप ने पाले थे अलग अलग माहौल में रहे थे और जब उनको कम्पेयर किया गया तो पता चला कि बहुत सी क्वालिटीज़ उनमें एक जैसी थी जिससे मालूम हुआ कि माहौल फर्क था सेट्स ऑफ पेरेंट्स फर्क थे एक चीज कॉमन थी और वो थे जीन्स और इसी बुनियाद पर यह कहा गया कि हाँ बहुत सी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली डिटरमिन्ड होती हैं, इसके साथ साथ कुछ जेनेटिकली डिटर्मेंट नहीं भी होती मिसाल के तौर पर अचीवमेंट लेकिन एक सवाल यहाँ पे जो हमारे जहन में उठता है और आपके जहन में भी आ रहा होगा वो ये कि हमने इतनी बहुत सी थ्योरीज़ की बात की इनमें से सबसे अच्छी थ्योरी कौन सी है अगर मुझे कोई एक थ्योरी चुनना हो तो मैं किसको चुनूँ इसका बेहतरीन जवाब या बेहतरीन हल ये होगा कि कोई भी तेरी सबसे अच्छी नहीं और कोई भी तेरी सबसे बुरी नहीं बुरी तो कोई भी नहीं है कमज़ोर हो सकती है आप अपनी ओरिएंटेशन के हिसाब से अपने नज़रियाती बैकग्राउंड के हिसाब से और अपने थेरेटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी थ्योरी में शॉर्ट ज़्यादा है या उसके प्लस पॉइंट्स ज़्यादा हैं बहरहाल मॉडर्न अप्रोच ये है कि आप एक एक्लेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू अख्तियार करें हर थेरी में से जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको एक्सेप्ट करें उसको इख्तियार करें उस पर रिसर्च करें और मज़ीद तहक़ीक़ के बाद देखें कि उसमें कितनी पोटेंसी है और उसको कितना ज़्यादा काबिल एतबार समझा जा सकता है आज के लेक्चर में हमने पर्सनैलिटी से मुतलिक बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की और पर्सनैलिटी थेरीज को देखा और यह देखा कि मुख्तिस साइकोलॉजिस्ट किस तरह से पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं इस लेक्चर में हम पर्सनैलिटी मेजरमेंट की बात भी करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि पर्सनैलिटी की थेरीज़ का तस्करा करना ज़्यादा ज़रूरी था इस वक्त हम इस सिलसिले को यहाँ पर रोक देते हैं अगले लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ़ पर्सनैलिटी की बात करेंगे और ये देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट आखिर पर्सनैलिटी की जांच किस तरह से करते हैं उन्हें यह किस तरह मालूम होता है कि कोई शख्स किस तरह की शख्सियत का मालिक है उसमें कौन सी ट्रेट्स पाई जाती हैं या उसमें कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं उसके खौफ क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, ऐसा करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सी टेक्निक्स बनाए हैं डेवलप की हैं और उनको वो इस्तेमाल करते हैं अगले लेक्चर में हम पर्सनालिटी से क्लोजली रिलेटेड एक चीज़ का जिक्र करेंगे और वो है इंटेलिजेंस लेकिन इंटेलिजेंस का जिक्र करने से पहले हम आपको बताएंगे कि पर्सनैलिटी मेजरमेंट या पर्सनैलिटी असमेंट करने के कौन कौन से मुख्तफ तरीक़े हैं और वह किस हद तक हमारी मदद करते हैं किसी की शख्सियत को समझने में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफ